हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनों को सिखाओ चैनल में, और मैं हूँ नदीम खान। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में सेव किए हुए मोबाइल नंबर, जिनको हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर ही बोलते हैं, अगर वो डिलीट हो गए हैं, तो इस तरीके से आप उन डिलीट हुए सभी कॉन्टैक्ट नंबर को रिकवर कर सकते हैं, उनको वापस ला सकते हैं। अगर आपने अपने मोबाइल को रिसेट कर दिया है, जिसको हम लोग रिसेट, रिस्टोर, फॉर्मेट या फिर फैक्ट्री एड्रेस सेट बोलते हैं, तो भी आपको सभी नंबर वापस मिल जाएंगे। या फिर आपके जिस फ़ोन में नंबर सेव किए हुए थे, वो फ़ोन आपका चोरी हो गया, खो गया है, या फिर वो फ़ोन ख़राब हो गया है, तो उस फ़ोन में जो नंबर सेव किए हुए थे, वो नंबर आपको इस वाले फ़ोन में मिल जाएंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस घंटी के निशान को दबा दें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊँ, तो वो वीडियो आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। और यहाँ पर आपको एक कमेंट भी कर देना है, कमेंट में आपको लिख देना है नंबर वापस। तो दोस्तों, हम सभी लोग अपने मोबाइल में फेसबुक तो चलाते ही हैं, आप भी चलाते होंगे। अगर आप फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक के मैसेंजर एप्लीकेशन को भी आप चलाते होंगे। तो जब हम लोग अपने मोबाइल में फेसबुक के मैसेंजर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, इसको चालू करते हैं, तो हमारे फ़ोन के अंदर जितने भी नंबर सेव किए हुए होते हैं, वो सभी नंबर फेसबुक के सर्वर पर अपलोड हो जाते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जो भी हम नया नंबर अपने फ़ोन में सेव करते हैं, वो नंबर भी फेसबुक के सर्वर पर अपलोड हो जाता है, वहाँ पर पहुँच जाता है। और अगर कभी भी हम लोग अपने फ़ोन से नंबर को डिलीट कर देते हैं, या फिर हम लोग अपने फ़ोन को रिसेट कर देते हैं, तो वो नंबर हमारे फ़ोन से डिलीट होते हैं, लेकिन फेसबुक के सर्वर पर वो नंबर रहते हैं, आप उनको वहाँ से डाउनलोड करके वापस ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपका फ़ोन रिसेट हो गया है, तो आपका फ़ोन रिसेट होने से पहले आपके फ़ोन में जो भी फेसबुक आईडी चालू थी, वही आईडी को आपको फिर से लॉगिन कर लेना है, उसी आईडी को चालू कर लेना है। या फिर आपका फ़ोन चोरी हो गया, ख़राब हो गया है, तो उस फ़ोन में जो भी फेसबुक आईडी चल रही थी, वही आईडी को आपको फिर से लॉगिन कर लेना है अपने इस वाले फ़ोन में, और आपको मैसेंजर को ओपन कर लेना है। तो अगर आप अपना फेसबुक आईडी भूल गए, या फिर उसका पासवर्ड भूल गए, तो आपको फेसबुक आईडी पासवर्ड कैसे पता करना है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का आप देख लेना, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको मैसेंजर के अंदर आपको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक कर देना है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर आ जाना है, पीपल नाम से ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आपको पीपल पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज कॉन्टैक्ट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको वो सभी कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, जो कि आपके फ़ोन में सेव किए हुए थे और वो फेसबुक के सर्वर पर अपलोड हैं। तो अगर आपको इस तरीके से नंबर नहीं मिलते हैं, तो एक दूसरा तरीका, वो भी आपको बता देंगे, उस तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये फेसबुक आईडी आपने जिस जिस मोबाइल में चलाई होगी, चाहे 5-6 फ़ोन में चलाई हो, तो उस फ़ोन के अंदर जितने भी नंबर सेव किए हुए थे, वो सभी नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से नंबर आपको कैसे निकालना है, वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर वो नाम लिखा हुआ है, जिस नाम से आपने नंबर को अपने फ़ोन में सेव किया हुआ था, जो भी आपको नंबर निकालना है, उसके आगे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर वो नंबर आ जाएगा जो कि आपके फ़ोन में सेव किया हुआ था। तो यहाँ से आप नंबर को ना ही डायरेक्ट फ़ोन में सेव कर सकते, ना ही यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते, ना यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है नंबर देख करके कॉपी पर लिखना होगा, फिर आप जो है सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में। दूसरा तरीका आपको बता देते हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, और आपका फ़ोन रिसेट होने से पहले, या फिर आपका फ़ोन चोरी होने से पहले, आपके फ़ोन में जो फेसबुक आईडी चालू थी, वही फेसबुक आईडी आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, और आपका ये पेज डायरेक्ट खुल जाएगा। तो मेरा लॉगिन किया हुआ, इसलिए डायरेक्ट ये पेज खुल गया। अगर आपका लॉगिन किया हुआ नहीं होगा, तो लॉगिन करने के लिए पहले बताएगा। तो जो नंबर मैसेंजर से जा करके मिले थे, वही नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ से थोड़ा फीचर यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप किसी नंबर को डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। तो जो नंबर सेव करना है, उसके आगे आपको क्लिक कर देना इस तरीके से, और यहाँ पर आपको नंबर पर कुछ देर के लिए उंगली रख देना है, दबा रहना है, और यहाँ पर कॉल कॉपी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको कॉल पर क्लिक कर देना है, और नंबर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो आप उसको यहाँ से कॉल कर सकते हैं, या फिर नंबर आपको फिर यहाँ से सेव करना हो, तो यहाँ से सेव भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक एक करके नंबर को कॉल लगा देना है, और वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपको उसको यहाँ से सेव कर लेना है। तो इस तरीके से ही आप नंबर को सेव कर सकते हैं, ऐसा कोई भी तरीका नहीं जिससे एक बार में ही सभी नंबर आपके सेव हो जाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।